नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित अनिल कोठारी आप सभी लोगों के सामने एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि कलयुग में सबसे बड़ी चालीसा कौन सी मानी गई है। चालीसाएं तो यहाँ पे कई हैं, किंतु कलयुग में जो सबसे बड़ी चालीसा है वह हनुमान चालीसा है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसका अर्थ जो समझता है, तो उसे खुद या स्वयं पता चल जाता है कि इससे बड़ी चालीसा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो वर्णन आए हैं उसको कुछ वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों के लिए है, कोई बच्चे मंदबुद्धि इत्यादि होते हैं तो वहाँ, या कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है जिसके अंदर शक्ति का अभाव होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई एक चौपाई आई है, बल बुद्धि विद्या देह मोही हरहुं क्लेश विकार। यानी कि कलयुग में हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो चिरंजीवी है, जो अमर है, जिन्हें अमरत्व प्राप्त है, तो वह बल के साथ साथ बुद्धि भी देते हैं और व्यक्ति के हर प्रकार के क्लेश विकारों को समाप्त करने की पूरी शक्ति रखते हैं। इसके अलावा इसके एक चौपाई और भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि कलयुग में एक प्रकार से अकारण भय रहता है, आदमी को किया कराया जादू टोना इत्यादि का डर रहता है, किसी को भूत बाधा प्रेत बाधा भी रहती है, तो उसके लिए भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन आया है जो मैंने बताया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, क्योंकि हनुमान चालीसा बड़ी है होने के लिए हमें याद है, हम आपको पूरा उसका अर्थ सहित समझा सकते हैं, किंतु आप स्वयं पढ़िए और उनकी इन चीज़ों को समझिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कलयुग में हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई नहीं है। सुरेंद्र जी खास तौर पे आपके लिए है, आपने मुझसे कई बार पूछा कि कलयुग की सबसे बड़ी चालीसा कौन सी है, तो कलयुग में जो सबसे बड़ी चालीसा है हनुमान चालीसा है। तो जो इसका नित्य पाठ करता है तो वह यहाँ इस कलयुग के सभी पापों से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे को शेयर करिएगा। धन्यवाद।